अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से हैं। मैं आपके सब्जेक्ट इंग्लिश की टीचर मिस मरियम खालिद। आज का हमारा लेक्चर लेसन नंबर 8 बर्ड स्टॉक्स रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग प्लस वर्ड सेंटेंसेस प्लस बुक वर्क पेज नंबर 36, 37, 38 रिलेटेड है। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको हमारे लेक्चर अच्छे से डिलीवर किए जा रहे हैं और आपको समझ भी आ रही होगी। मैं आज भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी मैं आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझा सकूं और बुक वर्क अच्छे तरीके के साथ सॉल्व करवा सकूं। आप सब अपना बुक वर्क हमारे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 8 बर्ड स्टॉक द वर्ड्स मीनिंग। द फर्स्ट वर्ड इज टॉकिंग मीनिंग बात करना। द वर्ड इज टॉकिंग मीनिंग बात करना। द नेक्स्ट वर्ड इज गार्डन बाग। ग्रो बढ़ना। फनी मजाया। विंग्स पर सिटिंग बैठना। नो जानना। अगेन आई रिपीटेड ऑल द वर्ड्स। टॉकिंग मीनिंग बात करना। गार्डन बाग। ग्रो बढ़ना। फनी मजाया। विंग्स पर सिटिंग बैठना। नो जानना। नाउ द वर्ड सेंटेंसेज। यूज द फॉलोइंग इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। द फर्स्ट वर्ड इज गार्डन बाग। द सेंटेंस इज द गार्डन इज सो ब्यूटिफुल। द गार्डन इज सो ब्यूटिफुल। द नेक्स्ट वर्ड इज सिटिंग बैठना। द बर्ड्स आर सिटिंग इन द गार्डन। द बर्ड्स आर सिटिंग इन द गार्डन। द नेक्स्ट इज टॉकिंग बात करना। बर्ड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। फीदर पर। दे डोंट हैव फीदर ऑल। दे डोंट हैव फीदर्स ऑल। द लास्ट वर्ड इज पीपल लोग। द पीपल आर गोइंग टू द पार्क। नाउ मूव ऑन द बुक वर्क पेज नंबर 36। मेक न्यू वर्ड्स बाय चेंजिंग अ वोवल साउंड। मेक न्यू वर्ड्स बाय चेंजिंग अ वोवल साउंड। बिट बैट सिट सैट। आप ब्लैंक में सिट राइट करेंगे। बिल के आगे आप बैट राइट करेंगे। फर्स्ट के आगे फास्ट। वॉल से पहले बिल। नाउ मूव ऑन द बुक वर्क पेज नंबर 37। चूज एंड राइट द वर्ड टू ज्वाइन सेंटेंस। आपके सामने ऊपर ऑप्शंस में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने अकॉर्डिंगली सेंटेंस उन ऑप्शंस को इन ब्लैंक्स के अंदर यूज करना है। तो हमारे सामने फर्स्ट स्टेटमेंट है, फरा इज 8 ईयर्स ओल्ड। आप आगे ब्लैंक में लिखेंगे, येट हर ब्रदर इज 9 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट इज वी वर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट व्हेन अ थीफ स्नैच्ड आवर पर्स। Sara writes English as a well because her mother taught her. They said that they were coming to our home. I was ready to give my speech when the teacher had not arrived. Students, ye tha hamara aaj ka lecture book work प्लस वर्ड सेंटेंसेज एंड वर्ड मीनिंग से रिलेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा, आपने साथ साथ सॉल्व भी किया होगा। हमारे लेक्चर को रिव्यू करें, लेक्चर से रिलेटेड क्विज को सॉल्व करें। जो बात समझ में नहीं आती, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप जरूर पूछा कीजिए, हम आपको आपका आंसर करेंगे। लेक्चर्स को तवज्जो के साथ सुना कीजिए, बुक वर्क साथ साथ सॉल्व करें। लेक्चर के बाद एक बार लेक्चर को जरूर रिवाइज किया करें। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।